गुलबर्गा शहर में हुए वक्फ अदालत में गुलबर्गा और यादगिरी डिस्ट्रिक्ट से कई लोग इलीगल एनक्रोचमेंट और कब्रस्तानों की तामीर के अलावा दीगर इश्यूज पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। इस मौके पर सज्जाद अली इनामदार ने गुलबर्गा शहर में हुए 700 साल पुराने हजरत पीर जंजानी दरगाह की जमीन पर हुए इलीगल कब्जे के खिलाफ तमाम सबूतों के साथ डॉक्यूमेंट जमा कर इंसाफ का मुतालिबा किया है। सज्जाद अली इनामदार ने बीजर जमीर अहमद खान के सामने बात कर कहा, मालेवाड़ी सर्वे नंबर 4 में मौजूद पीर जंजानी दरगाह और कब्रस्तान की कुल 22 एकड़ 9 गुंटे जमीन मौजूद है और लगातार 1968 से लाइन माफिया कब्रस्तान की जमीन को कब्जा करने की कोशिश करते आ रहे हैं और 2007 में पॉलिटिकल सपोर्ट के चलते खबरों को तोड़कर प्लॉटिंग डाली जा रही थी। उस वक्त से सज्जाद अली इनामदार कब्रस्तान के तहफ्फुज के लिए लड़ते आ रहे हैं। आज गुलबर्गा शहर में वक्फ मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान साहब के जरिए रखी गई वक्फ अदालत में सज्जाद अली इनामदार ने तमाम पीरजंजानी दरगाह के कब्रस्तान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जमा किए हैं जिसमें लाइन माफिया के खिलाफ भी डाटा मौजूद है। जमीर अहमद खान ने सज्जाद अली इनामदार से बात कर इस इशू पर गुलबर्गा डीसी और दीगर अहदेदारों के साथ मीटिंग कर इस मसले को सॉल्व करने का भरोसा दिलाया है। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ अदालत में कर्नाटका के वक्फ मिनिस्टर जनाब बीजर जमीर अहमद साहब और हमारे एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा, वक्फ बोर्ड के स्टेज चेयरमैन जनाब अनवर बादशाह साहब की क़यादत में आज एक बहुत हिस्टोरिक जो है ना वक्फ अदालत गुलबर्गा के विंटेज फंक्शन हॉल में मुनक़द हुई। इसमें बहुत सारे हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और अप्लीकेशन दी, अपने अपने जो है ना जो मुताले वाला बात है डिमांड से। तो मैंने आज पहले मैं आप तमाम आवाम से इस बात का खुलासा किया था कि मारेवाड़ी सर्वे नंबर 4 जिसकी जमीन 22 एकड़ 9 गुंटे है जिसमें हजरत शेख साद मखदूम पीर जंजानी रहमतुल्लाह की दरगाह है उसके दरगाह के आरोप अनकाप तमाम जमीन में जो है ना कब्रस्तान है, इस कब्रस्तान को माफिया वालों ने जिसमें हमारे मुसलमान के लीडर भी हैं इन्होंने एनक्रोचमेंट करके खबर खबूर तोड़ के लेआउट बनाए थे, उस लेआउट को हम मिसमार करने लगाए। अब जो है ना जो पानी में पट्टा लैंड नहीं है और ना होने के बावजूद भी कब्रस्तान लैंड को 1968 में तहसीलदार ने पानी में प्राइवेट पर्सन का लोगों का नाम डाला है, उस नाम को निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान आरसी रीजनल कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा 2018 में 24 जनवरी को एक ऑर्डर पास किया है, उसमें कहा है कि सारी जमीन 22 एकड़ 9 गुंटे पीर संजानी कब्रस्तान की है, सरकारी जमीन है लिहाजा इसमें प्राइवेट पर्सन को किसी को अलर्ट नहीं किया गया। तो उसमें पानी का नाम निकालने के लिए हम तहसील ऑफिस और एसी ऑफिस से डीसी से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस नुमाइंदगी के दौरान आरसी के ऑर्डर के बावजूद प्रकाश कुदरी तहसीलदार ने दिसंबर 22 को उस जमीन के 10 एकड़ में से 6 एकड़ एन्य कराया है, तो उस तहसीलदार को उसके साथी ऑफिसर्स को एसी को यानी पहले के एसी आपके एसी नहीं पहले के एसी के ऊपर जो है ना क्रिमिनल मुकदमा डालने के लिए मैंने परमिशन मांगा है, प्रोसिक्यूशन के लिए परमिशन मांगा है और चीफ सेक्रेटरी आरसी साहब को भी लेटर लिखा है, चीफ सेक्रेटरी से लेटर आ रहा है डीसी को के तमाम जो है ना रिपोर्ट को देखकर परिशीलन क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन करके प्रोसिक्यूशन को परमिशन देने के लिए कहा गया है। प्रोसिक्यूशन को परमिशन मिलते ही प्रकाश कुदरी पर तहसीलदार के ऑफिस पर ऑफिस के जो हमला है उन पर और एसी ऑफिस पे पुरानी एक्स एसी पर हम जो है ना क्रिमिनल केस फाइल करेंगे। वो जब तक ये पानी में से नाम नहीं निकलता हम चैन से नहीं बैठेंगे, इसको जो है ना हम लेके रहेंगे कब्रस्तान को हासिल करेंगे और जो आज पानी में 10 एकड़ है वो पानी में से निकालकर वक्फ बोर्ड का नाम आने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी मैं जमीर अहमद साहब से बात किया और एप्लीकेशन दिया डिटेल बताया, आपने जमीर अहमद साहब ने फरमाया कि हम जो है ना कल डीसी से बात कर का आपके मुताले पर काम करेंगे और जो है ना वक्त पे वो जो पानी में से नाम है उसको निकालने लगाएंगे, 1 महीने का टाइम दिए हैं।